नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठ जी के नुस्खे में। दोस्तों, आजकल की जीवन शैली में हम खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और इसका सारा असर हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी शरीर को तंदुरुस्त रखने की बात आती है तो कहा जाता है कि डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करो। बादाम, अखरोट व काजू, इन सब के फायदे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप मखानों के बारे में जानते हैं? दोस्तों, मखाना एक हल्का फुल्का स्नैक्स है जिसे हम सूखे मेवों में शामिल करते हैं। अगर इसे नियमित तौर पर सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो इसके अनगिनत सेहत लाभ भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा मखानों का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहतमंद रहता है। मखाने में मौजूद प्रोटीन के कारण यह मसल्स बनाने और फिट रखने में बहुत हमारी मदद करता है। मखानों को कई जगह पर लावा भी कहा जाता है। आप चाहे तो इन्हें बिना गर्म किए भी खा सकते हैं या फिर इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं मखाना खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों, हमारे वीडियोस को खूब सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मखाना खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, सुबह खाली पेट 4 मखाने अगर खाए जाएं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और हमें बहुत इनका फ़ायदा मिलता है। अगर आप जल्द से जल्द मधुमेह को ख़त्म करना चाहते हैं और सेहत के अन्य लाभ भी पाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट 4 मखाने खाएं। इसका सेवन कुछ दिनों तक लगातार करें, आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आप मखाने के 4 दानों का सेवन करके शुगर से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे शुगर रोग भी खत्म हो जाता है। दिल के लिए फायदेमंद। दोस्तों, मखाना केवल शुगर के मरीज के लिए ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। नियमित इसके सेवन से दिल स्वस्थ रहता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। मखाने में कैलोरी, वसा और सोडियम कम होती है, इसलिए इसे किसी भी वक्त खाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे सुबह खाली पेट खाया जाए तो इसे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यही नहीं, इसे खाने से पेट भी जल्दी भरता है और भूख भी कम लगती है। बीपी पेशेंट के लिए फायदेमंद। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मखाने में सोडियम कम होता है, लेकिन पोटेशियम और मैग्नीशियम बड़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को बीपी की शिकायत है उन्हें तो रोजाना मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए। हड्डी और दांतों के लिए फायदेमंद। दोस्तों, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए हड्डियों और दांतों के विकास के लिए रोजाना मखाने को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है मखाना। मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने का काम करता है और ये कैल्शियम से भरा हुआ होता है जो जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद होता है। तो यदि आपको भी जोड़ों के दर्द की समस्या है तो रोज़ सुबह खाली पेट 4 मखाने का सेवन करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको भी इस समस्या से छुटकारा मिल सके। तनाव और डिप्रेशन को भी दूर करने में मददगार। दोस्तों, अगर आपको अक्सर तनाव रहता है और इस वजह से आपकी नींद भी प्रभावित हो रही है तो मखाना खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ 4 मखाने खाने से नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। मांसपेशियों की मजबूती के लिए फायदेमंद। दोस्तों, मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी मखाना खाना बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आपकी मांसपेशियां समय समय पर अकड़ जाती है तो आपको नियमित रूप से मखाना खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए सहायक है। तो दोस्तों, ये थे मखाना खाने के हेल्थ बेनिफिट्स। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।